फैमिली रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन के बाद। ऑब्वियसली इसका फाउंडेशन लव एंड अफेक्शन है, पर जब हम फैमिली लॉ की बात करने लगते हैं तो ये फैमिली रिलेशंस क्योंकि रेगुलेट किए जा रहे हैं लीगल रूल्स से, इनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ये फैमिली रिलेशंस से ज़्यादा लीगल रिलेशंस की तरह समझे जाते हैं। सवाल ये है कि लॉ को इंटरवीन करने की क्या ज़रूरत है फैमिली रिलेशंस में? इसका आंसर ये है कि आप फैमिली रिलेशंस के बारे में जब बात करते हो तो कोई भी आप यूनिट ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ का यूनिट, पेरेंट चाइल्ड का यूनिट, या किसी भी एल्डर या यंगर रिलेशन का यूनिट, आप देखोगे उसमें एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट का इक्वेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। अब इस इक्वेशन में जो सुपीरियर है उसके पास तो पावर है, और वो पावर उसे बहुत लेजिटिमेट तरीके से मिली हुई है। जैसे पेरेंट्स के पास चाइल्ड की कस्टडी होती है, जैसे पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ग्रैंडफादर अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर को, वो कर सकता है। तो इंटाइटल तो है एक्सरसाइज करने के लिए ये पावर, लेकिन टू अ सर्टन पॉइंट। क्योंकि जब भी आप देखोगे कोई भी एंटिटी अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी, अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की फ्री विल, दूसरे लोगों की कंसेंट को कर्टेल करेगा, उनके फ्रीडम को कर्टेल करेगा। तो ये अथॉरिटी आर्बिट्ररी तरीके से एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए लॉ इंटरवीन कर रहा है। अब जब हम अथॉरिटी बोलते हैं तो अथॉरिटी एक बहुत ही प्राइवेट स्पेस में जो एक्सरसाइज की जा रही है या पर्सनल स्पेस में जो एक्सरसाइज की जा रही है, उस अथॉरिटी के बारे में बात होगी जब भी हम फैमिली लॉ के बारे में बात कर रहे होंगे। और फैमिली रिलेशंस क्योंकि अफेक्ट करते हैं पर्सन्स को और प्रॉपर्टी को भी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लॉ बैलेंस आउट करे जहाँ पे भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे भी ये सबॉर्डिनेशन आ जाता है, जहाँ पे भी वीकर एंटिटी पावरफुल एंटिटी के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकती।